नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार खत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमने एक पार्सल मंगवा लिया है जिसके नाम की बात करें तो इसमें है हमारे पास TDS मीटर। TDS मीटर में हमें इसकी पहले तो कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि ये TDS मीटर किस तरह का होता है और इसमें इसका क्या काम होता है। तो TDS मीटर के बारे में अगर हम बात करें तो TDS मीटर मेनली जो हमारे वाटर आता है नल के अंदर, RO वाटर है, उसमें TDS नापने के लिए इस TDS मीटर का यूज़ किया जाता है। इसकी इस तरह की पैकिंग हमें देखने को मिली है। इसे हम जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट है और वो कैसे यूज हो पाता है। तो बहुत ही बढ़िया पैकिंग ताकि इस मीटर को सेफली कस्टमर के पास पहुंचाया जा सके। बहुत ही अच्छी पैकिंग है, अमेज़ोन से हमने इसे बुक किया है। इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाता है, इस कवर के अंदर है। इस कवर को हम निकाल लेंगे मीटर को बाहर और ये मीटर हमें देखने को मिला है जिसकी कुछ इस तरह की लुकिंग आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ हमें ये एक यूज़र गाइड भी इसमें देखने को मिल जाता है वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। एक्चुअली ये काम आता है। TDS की बात की जाए तो TDS की फुल फॉर्म होती है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, यानी कि जो पानी में घुलनशील पदार्थ हैं जो वो कितने हैं वो इसमें इस मीटर से हम चेक कर सकते हैं। तो इस मीटर का एक्चुअल में यूज़ क्या है? एक्चुअल में यूज़ ये है कि अगर हम जो RO वाटर पी रहे हैं या अपने म्यूनसिपलिटी के नल से जो भी पानी आ रहा है उसे पी रहे हैं तो उसमें एक्चुअल में TDS है कितना, तो वो मेजर करने के लिए इस मीटर का उपयोग किया जाता है। आप कहोगे कि हमें इस मीटर से उसे नापने की क्या जरूरत है, वो तो हम ऐसे ही पी रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ मापदंड होते हैं हर चीज के, वैसे ही अपने पानी के TDS के भी कुछ मापदंड हैं, यानी कि स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि उतना अगर TDS है पानी में तो वो बढ़िया है, उससे कम होगा तो भी अच्छा नहीं है और उससे ज्यादा भी होगा तो भी अच्छा नहीं है। तो वो नापने के लिए ये TDS मीटर आया है। इसे कुछ भी नहीं करना है, बस ये यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दे के रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन कर लेंगे ये जीरो बता रहा है। जैसे ही पानी की ग्लास वगैरह कुछ भी इसको भी भर सकते हैं, इसको भर के ऐसे यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आपको सारे फिगर्स शो कर देगा तो आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो TDS मीटर के बारे में तो ये हुई बात। यहाँ पर होल्ड का ऊपर एक स्विच दे के रखा है जिससे आप किसी भी पानी का मापदंड करेंगे तो उसमें जो भी फिगर आया होगा तो सीधा आप निकालेंगे तो फिगर हट जाएगा, पानी में होगा तो फिगर शो करेगा, उसे होल्ड पर टच कर लेंगे तो फिगर स्क्रीन के ऊपर पॉज हो जाएगा ताकि हम नजदीक लेकर देख पाए। और इसके बीच में एक टेम्परेचर का भी एक स्विच है, वो भी अलग अलग उपयोग में आता है। और मेनली ये मैंने सारी बात आपको बता दी है। अमेजोन से हमने बुक किया है, इसकी कॉस्टिंग की बात कर ले तो तकरीबन हमें 204 रुपये में पड़ा है। एक्चुअल में इसकी कीमत थी 154 रुपये और 50 रुपये हमें इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेज पे करने पड़ चुके हैं। तो आप मोटा मोटी तौर पर ये देख सकते हैं कि हमें 200 रुपये कीमत में ये घर पहुंचा है। और TDS मीटर कोई व्यक्ति RO का भी उपयोग करते हैं आज के ज़माने में। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के घर में RO लगा हुआ है, चाहे वो अलग अलग कंपनी का हो सकता है। पर RO में आप सोच रहे होंगे कि RO का जो वाटर आ रहा है आप बहुत ही बढ़िया वाटर हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वो आता होगा बढ़िया। पर समय समय पर अगर हम उसे चेक नहीं करवाएं किसी मैकेनिक मिस्त्री से तो उसमें भी जो मेम्ब्रेन होती है, मेन मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो TDS को कैसे सेटअप करें, तो वो मेम्ब्रेन भी उपयोग के बाद कुछ समय के बाद 2 4 6 महीने के बाद उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए आप अपने जो मिस्त्री है उसका उसे बुलाकर आप चेक करवा सकते हैं, वो अच्छी तरीके से चेक कर लेगा। वो भी इस तरह का मीटर साथ में रखता है ताकि पानी का TDS सेट कर सके। और RO के कुछ फायदे भी हैं पानी पीने के और कुछ नुकसान भी हैं। फायदे की बात की जाए तो उसमें नपातोला TDS आता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और जो RO वाटर पीते हैं वो नपातोला पीते हैं और ये उनके साथ हो सकता है कि वो जब भी अपने घर से ऑफिस से बाहर जाएं तो शायद वहां पर मिनरल वाटर की बोतल ना लेके वो कहीं से भी ऐसे ही ग्लास भर के पानी पी लें, किसी नल से, किसी मटके से या कहीं से भी। तो उसमें जो TDS होगा वो बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है मे भी ज्यादा ही होगा क्योंकि RO वाटर में कंट्रोल्ड TDS आता है।
तो उसमें क्या दिक्कत होगी कि वो ज्यादा टीडीएस जैसे जाएंगे तो हमारा जो शरीर की कैपेसिटी होती है वो आरओ वाटर पीने के बाद एक लिमिट तक सेटअप हो जाती है कि वो इतना ही टीडीएस लेता है, और उसके बाद अगर हम ज्यादा टीडीएस का पानी पियेंगे तो वो भारी पानी होता है एक्चुअल में, तो अपने को पीते ही पता चलेगा कि ये बहुत वजनदार पानी है और ऐसा लग रहा है कि मुंह में खराश हो रही है या मिट्टी ज्यादा है, ऐसा कुछ अपने को फील हो जाएगा जैसे ही अपने जबान पर वो पानी जाएगा, तो क्योंकि वो आरओ वाटर नहीं है इसलिए जरूर फील होगा। तो उसमें दिक्कत ये हो सकती है कि आपको थोड़ा सा पेट में जाएगा तो हो सकता है आपका थोड़ा पेट में दिक्कत दे, दिक्कत का मतलब हो सकता है अगर ज्यादा खराब होगा तो आपको पेट दर्द हो सकता है, दस्त लग सकती है, कुछ भी इशू आ सकता है और कोई भी इशू इसमें हो सकता है, वो थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए होगा, हो सकता है। और जो व्यक्ति बाहर का पानी पीते हैं तो उसके लिए आरओ भी कुछ नहीं है और बाहर वाले भी कुछ नहीं, क्योंकि उसका जो शरीर का सेटअप है वो इस तरह का हो चुका है कि वो कोई भी पानी पिए उनके ऊपर इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, और उसमें दिक्कत ये होती है कि उनके बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल का जो हाई लेवल का टीडीएस होता है उन उस तरह के पानी पीते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो दिक्कत दे सकता है। तो मेरे हिसाब से टीडीएस मीटर अपने पास होना चाहिए, अपन अपने पानी का लेवल चेक कर सकते हैं, जो डायरेक्ट नल में आता है उसका भी चेक करें, और आपके पास आरओ है तो समय समय पर उसका जरूर चेक करें ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और पानी की जानकारी पूरी आपके पास हो सके। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाइए, और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपका प्यार इसी तरह बरसाइए रखिए और हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।